हेलो स्पिरेंस, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। आईआईटी दिल्ली ने रिसेंटली एक रिपोर्ट यहां पे निकाली है जो है इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024। व्हाट आर द की हाइलाइट्स, डेथ रेट क्या है हर स्टेट में अलग अलग, देन यहां पे हम देखेंगे भारत का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इस क्वेश्चन को हम प्री पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट कैन बी द बॉडी, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस, और कुछ रीसेंट एग्जांपल्स जैसे बैंगलोर शहर के कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे लेंगे। सो अ होल एंड होल अप्रोच फॉर योर मेंस दिस वुड बी ओरिएंटेड, प्लस प्रीलिम्स के लिए डेटा वुड बी देयर। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी गेटिंग अ प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। व्हाई इज इट इन न्यूज़? तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है, खासकर कि अगर हम रोड फेटलिटीज़ की बात करेंगे तो ये बहुत स्लो है। इफ़ वी विल कंपेयर इट विद इंटरनेशनल जो गोल है रिड्यूस करने के लिए रोड एक्सीडेंट एंड फेटलिटीज़, यहाँ पे वीडियो के एंड में यू विल बी गेटिंग अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं एंड यू कैन सेंड इट टू अस ऑन दिस QR। दिस इज फॉर द एंड्रॉइड ऐप एंड दिस इज फॉर द iOS। सो this is the case because mains answer writing practice is very important for you guys. You'll be getting a chat section later, iski information main aage batata hu. Pehle hum shuru karte hain video ke sath. What are the key findings? First of all, report ye evaluate karta hai jitne bhi FIR yahan pe launch kiye gaye the. Iske alawa 6 states ke andar jisme Haryana, Jammu Kashmir, Ladakh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand aur Uttar Pradesh aate hain. Iske alongside jo state ke compliance hote hain Supreme Court ke sath, इनको यहाँ पे जो रोड सेफ्टी गवर्नेंस पर है वो यहाँ एनालाइज किया गया है। रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि 2021 में जो ट्रैफिक इंजरीज थी ये 13 सबसे बड़ा कॉज था अगर हम डेथ की बात करेंगे या मोर्टैलिटी की बात करेंगे, और जो डिसेबिलिटी होती है उसमें ये 12 सबसे बड़ा रीज़न था जहाँ पे लोगों को डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स जीने पड़ रहे थे। स्टेट्स में जो रोड ट्रैफिक इंजरीज हैं ये टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स हैं अगर हम हेल्थ लॉस की बात लेते हैं। तो अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे अलग अलग स्टेट्स का रोड सेफ्टी में, तो रोड सेफ्टी बहुत रीजनल वेरिएशन दिखाता है। पर कैपिटा रोड जो ट्रैफिक डेथ रेट है ये अलग अलग डिफर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन राइजेस कि ये जो पर कैपिटा की मैं बात कर रहा हूँ ये कहाँ से आता है? तो यहाँ पे तमिलनाडु का जो रेट रहा था वो 21.9 रहा था। अब ये 21.9 इज लाइक कि अगर 100,000 यहाँ पे जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है उन 100,000 लोगों में से इतनी यहाँ पे डेथ्स हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो द रेट वॉज अराउंड 19.2, छत्तीसगढ़ में द रेट वॉज अराउंड 17.6। तो यह हाईएस्ट डेथ रेट है पर 1,00,000 पीपल। वेस्ट बंगाल और बिहार का लोएस्ट रेट रहा, वेस्ट बंगाल बिहार का जो रेट रहा वो लगभग 5.9 पर 1,00,000 रहा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में नियरली 50% जितनी भी रोड ट्रैफिक फेटलिटीज होती हैं वो इन स्टेट्स में होती हैं। रिपोर्ट ये आइडेंटिफाई करता है कि जो पेडेस्ट्रियन होते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं या फिर जो साइकिल से चलने वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं यहाँ पर, या मोटराइज जो टू व्हीलर से चलने वाले हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रोड यूजर्स होते हैं। वाइल ट्रक रिस्पॉन्सिबल होता है हाईएस्ट प्रपोर्शन का इन व्हीकल्स को इम्पैक्ट करने के लिए। डिस्पाइट लाइफ सेविंग पोटेंशियल है हेलमेट में, लेकिन यहाँ पे अगर हम हेलमेट की बात करेंगे तो हेलमेट में यहाँ पर केवल 50% से ज़्यादा जो टू व्हीलर राइडर्स हैं वो हेलमेट पहनते हैं, और वो भी 50% से ज़्यादा केवल ऐसे 7 स्टेट हैं जहाँ पहनते हैं। ये अलग अलग बेसिकली डेथ रेट है ये पर स्टेट पर कैपिटा के हिसाब से, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। ये अलग अलग रीजन वेरिएशन है यहाँ पे। What percentage of road accidents happen after midnight from 12 AM to 6 AM? तो सबसे ज़्यादा यहाँ यूपी में आपको देखने को मिलेगा midnight के बाद की बात है यहाँ पे। Next, जो despite life saving potential होता है helmet, हमने देखा कि 7 states के ही लोग हैं जो यहाँ use करते हैं 50% से ज़्यादा। केवल 8 states हैं जहाँ पे more than half of उनके national highway audited हैं network से। Even fewer states ने ऐसे audits को state highway तक पहुँचा रखा है। बेसिक रोड सेफ्टी, जैसे कि अगर हम ट्रैफिक कामिंग की बात करें, रोड मेकिंग्स की बात करें, यहाँ पे रिमेन ये अभी भी इनसफिशिएंट है। साइनेज की बात करें जहाँ पे बोर्ड्स लगाए जाते हैं, ये अभी भी इनसफिशिएंट है ज़्यादातर स्टेट्स में। वाइल हेलमेट रूरल एरियाज में तो बहुत पर्टिकुलरली लो है, छोटे शहरों में लो है, एंड ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज जो हैं वो इनएडिक्वेट हैं। जो रिपोर्ट है अंडरस्कोर करता है टेलर्ड एक स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होना, ताकि यहाँ पे जो डाइवर्स रोड सेफ्टी चैलेंजेस हैं ऑल ओवर इंडिया उसको यहाँ पे एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट, तो यहाँ 6 स्टेट्स जो हैं जहाँ नियरली जितना भी ट्रैफिक फेटलिटीज होती हैं वो उन स्टेट्स में होती हैं। ये इस स्टेट्स में आते हैं उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में आते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, देन वी हैव कर्नाटका इन दिस, राजस्थान इन दिस, एंड ऑल्सो तमिलनाडु।
ये यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स आते हैं। मोस्ट कॉमन विक्टिम्स में पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट या टू व्हीलर्स हमने देखा था, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्रैश में इन्वॉल्व होते हैं वो ट्रक्स होते हैं। अगर हम भारत के ग्लोबल रोड सेफ्टी स्टैंडिंग की बात करेंगे तो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है कि सोबरिंग कॉम्प्रोमाइज है भारत में और डेवलप कंट्रीज में, जैसे स्वीडन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करेंगे तो, जिन्होंने रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस यहाँ पे पा रखी है। यहाँ पर 1990 में अगर हम बात करें तो 1990 में भारत में जो एक्सीडेंट्स होते थे वो बेसिकली 40% यहाँ पे मोर लाइकली थे कि रोड एक्सीडेंट में कोई इन कंट्रीज में बेसिकली डेथ हो सकती थी अगर हम भारत की बात करेंगे तो। यहाँ पे भारत में यही 2021 में अभी जो ये 40% से फिगर है ये इंक्रीज हो चुका है 600%, इंडिकेट करता है कि शार्प रोड फैटलिटीज इंडिया पे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे व्हाट आर द चैलेंजेस, ऐसी क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला, भारत की जो नेशनल रोड सेफ्टी डेटा सिस्टम है बहुत इनएफिशिएंट है पब्लिक पॉलिसी को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट, करंटली कोई भी यहाँ पे जो क्रैश लेवल का डेटाबेस होता है वो यहाँ पर नहीं है इंडिया में, इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स ना ही स्टेट लेवल पे ना ही नेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड के साथ इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ऑफन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है की वेरिएबल, जैसे विक्टिम का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस की स्टडी है या फिर जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है सजेस्ट करता है कि रिकॉर्ड्स ऑफन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे विक्टिम का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, जो बहुत क्रूशियल है रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। द रिपोर्ट्स ये भी नोट करती है कि केवल 7 स्टेट से यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पे टू व्हीलर राइडर्स जो हैं वो हेलमेट पहनते हैं, डिस्पाइट कि सिंपल सेफ्टी मेजर्स हैं और ये जनरली फैटलिटीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। किसी इंसान की जान बचाने के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट भारत में लोग हेलमेट केवल और केवल ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए पहनते हैं, स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड ये अपनी जान के लिए नहीं पहनते। नेक्स्ट, यहाँ पर जो नेशनल स्ट्रैटेजी है वो क्या है? तो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यहाँ पे जो रोड ट्रैफिक क्रैशेज हैं ये लार्जेस्ट कॉज होते हैं डेथ का ड्यू टू अनइंटेंशनल इंजरीज होती हैं इंडिया में। यहाँ पर कंट्रीब्यूट होता है 43.7% फैटलिटीज, ओवर स्पीडिंग, जो यहाँ बहुत तेज बाइक चलाते हैं और भारत में ओवर स्पीडिंग की एक अच्छी खासी समस्या है, जो अकाउंट करती है कि 75.2% ये डेथ्स यहाँ ओवर स्पीडिंग से होती हैं। इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करेंगे जो रॉन्ग साइड लोग चलते हैं जो भारत में अक्सर चलते हैं, यहाँ पे डेथ होती है 5.8% या अल्कोहल और ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चलाने से। अल्कोहल ड्रग्स का इन्फ्लुएंस आपको जनरली ये कल्चर दिल्ली गुड़गांव साइड इलाकों में देखने को मिलता है ज़्यादा, तो यहाँ 2.5% जो डेथ्स होती हैं वो यहाँ देखने को मिलेगी। रोड ट्रैफिक इंजरीज की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्कोहल ड्रग में जो रिसेंटली जो पॉर्श का एक एक्सीडेंट हुआ था, दैट कैन बी एक्सीडेंट जो आप एक केस स्टडी में लगा सकते हो। नेक्स्ट, ओवर स्पीड, यहाँ पर जो रोड ट्रैफिक इंजरीज की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो 86% जो RTA फैटलिटीज थी उसमें मेल्स थे, बिकॉज मैक्सिमम घरों से बाहर जो वर्क करते हैं दोज आर मेल्स, एंड 14% जो थे बेसिकली उनमें आती हैं महिलाएं। यहाँ पर 67.8% जो RTI के हिसाब से डेथ हैं वो गांव के इलाकों में होती हैं, रूरल एरियाज में होती हैं, और यहाँ पर 32.2% जो डेथ होती है वो अर्बन एरिया में होती है। द रीज़न इज फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट सेफ्टी के रीजन, इसके अलावा जो यहाँ इस वेरिएशन का रीज़न हो सकता है वो होता है हॉस्पिटल या फिर इमरजेंसी सेवा अर्बन एरियाज में जल्दी मिल सकती हैं रूरल एरियाज के मुकाबले। नेशनल हाईवे जहाँ 2.1% इनका केवल जो टोटल रोड लेंथ है वहाँ पे अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे की जो लेंथ होती है वो केवल 2.1% है। ये रिस्पॉन्सिबल है मोस्ट रोड फैटलिटीज को लेकर के, 45 डेथ पर 100 किलोमीटर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और ये जो डेटा है ये 2022 का बेसिकली डेटा है। यहाँ पे गवर्नमेंट की कुछ मेजर्स होते हैं जैसे कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, ये ट्रैफिक रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करती है, पेनल्टीज इंक्रीज करती है वॉल्यूशंस को लेकर के, प्रोविजंस है रोड सेफ्टी को लेकर के, यहाँ पे हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनने के लिए, और यहाँ पे पेनल्टीज भी इंक्रीज किए गए थे। नेक्स्ट, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी है, ये बेस्ड है रिकमेंडेशंस पर जो सुंदर कमेटी होती है, तो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव किया है नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी को मार्च 2010 में। ये फोकस करती है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनफोर्समेंट सेफ्टी लॉज का, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, इमरजेंसी मेडिकल केयर होता है एक्सीडेंट विक्टिम्स को लेकर के। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट है या जिसको ईदार पोर्टल भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट ने एक सेंट्रल रिपोजिटरी यहाँ पे एस्टैब्लिश किया है रिपोर्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो रोड एक्सीडेंट डेटा होता है अलग अलग कंट्रीज के तहत। ये हेल्प करती है एक्सीडेंट करने में, एक्सीडेंट कंपनसेशन के जो क्लेम्स होते हैं, तो इससे विक्टिम की फैमिलीज को रिलीफ यहाँ मिल जाता है। गुड सामैटियन लॉ है ये, बाई स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है,
जो हेल्प करते हैं विक्टिम्स की लीगल और प्रोसीजनल हैसलेस में, एंकरेज करता है ताकि क्विकर असिस्टेंट हो। कई जगह यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल एक एड भी दी जाती है, जो सेमाटियन होता है उसको लगभग 5,000 का जो इनाम भी कई स्टेट्स हैं जो यहाँ पर देते हैं। और दिस कैन बी डन एज वेल। व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंट्रोडक्शन सेफ्टी मेजर्स का, जैसे कि एयरबैग्स होना, क्रैश टेस्ट नॉर्म्स होना, भारत के न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का आना, ये व्हीकल के लिए रहे ताकि सेफ्टी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर दिस? सबसे पहला, एक नेशनल यहाँ पे जो क्रैश सर्विलेंस होता है वो होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड हो, जैसे कि इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 कहता है। इम्प्लीमेंटेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड क्रैश रिपोर्टिंग का प्रोटोकॉल का सारे स्टेट्स के अलोंग ये इंश्योर करता है, कंसिस्टेंसी हो, एक्यूरेसी हो, इंटीग्रेटेड डेटा है मल्टीपल सोर्सेज से, इंक्लूडिंग पुलिस रिपोर्ट, हॉस्पिटल या इंश्योरेंस कंपनीज का साथ डेटा लिया जा सकता है, और इस डेटा को पब्लिक यहाँ पे किया जा सकता है ताकि रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर जो है इन डेप्थ एनालिसिस इसका कर सके। नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज की जा सकती है वो जितना भी यहाँ पे रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाया जा सकता है, सेफ्टी ऑडिट सारे ही नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज का, क्योंकि केवल 8 स्टेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन हाफ ऑफ अपने नेशनल जो हाईवे की लेंथ है उनको यहाँ ऑडिट कर रखा है। ट्रैफिक कामिंग मेजर्स यहाँ लिए जा सकते हैं, प्रॉपर साइनेज हो, रोड मार्किंग्स हो, स्पेशली गाँव के इलाकों में, यहाँ पे डिजाइन रोड हो, फोकस हो सेफ्टी वनरेबल रोड यूजर्स पे, जैसे पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट या दो दो वाहन जो दो पहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए, बाइक्स एंड ऑल। जो सुंदर कमेटी रिपोर्ट है रोड सेफ्टी ट्रैफिक मैनेजमेंट पे, ये सजेस्ट करती है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स रोड डिजाइन के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन हो, तो इस रिपोर्ट का आप मेंशन कर सकते हैं। सो रिमेंबर द नेम ऑफ द कमेटी, इट इज सुंदर कमेटी रिपोर्ट है जो रोड सेफ्टी पर है। नेक्स्ट, यहाँ पे एनहेंस्ड व्हीकल स्टैंडर्ड्स लिए जा सकते हैं, यहाँ पे मैंडेट किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है हेलमेट का टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए। करंटली केवल 7 स्टेट्स हैं जहाँ 50% से ज्यादा हेलमेट का यूसेज देखा जाता है। यहाँ पर जो प्रमोट किया जा सकता है, जो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स होते हैं इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है ताकि स्ट्रिक्ट सेफ्टी नॉर्म्स हो। यहाँ पर इसके अलावा जो ट्रॉमा सेंटर है या जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है, एक नेटवर्क और ट्रॉमा सेंटर्स का मेजर हाईवेज के अलॉन्ग, जैसा कि नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी यहाँ पे इसको रिकमेंड करती है, एक सेंट्रलाइज्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होना, एक सिंगल नेशनल वाइड इमरजेंसी नंबर पर ट्रेन इक्विपमेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जा सके, इंक्लूडिंग पुलिस या लोकल कम्युनिटी मेंबर्स को यहाँ किया जा सकता है जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है वहाँ पर, एक ग्रेजुअल लाइसेंसिंग सिस्टम्स यहाँ पे हो। सबसे पहला, भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइसेंसिंग की है, आपको आसानी से 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में बिना ऑफिस जाए या बिना कोई टेस्टिंग की आपको लाइसेंस मिल जाता है, इनफैक्ट आपको ट्रक का लाइसेंस भी यहाँ मिल जाता है भारत में। इम्प्लीमेंट करना एक ग्रेजुएटेड लाइसेंसिंग सिस्टम होना जहाँ पे ये चीज़ें ना हो सकें, मीडियोकर यहाँ पे वर्क ना कर सकें, पब्लिक रिफ्रेश कोर्सेज यहाँ पे होना, सारे लाइसेंस ड्राइवर के लिए एक रिफ्रेश कोर्सेज होना जरूरी हो, यहाँ पे ड्राइवर की टेस्टिंग इंपॉर्टेंट हो, लाइसेंसिंग प्रोसेस हो, यहाँ करप्शन को रिड्यूस किया जा सके, या केवल क्वालिफाइड इंडिविजुअल जो लाइसेंस रिसीव कर रहे हैं उनको दिया जा सके। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी एम्फेसाइज करती है स्ट्रेंथन करना सिस्टम जो ड्राइवर लाइसेंसिंग ट्रेनिंग का हो। इसके अलावा जो प्रॉब्लम यहाँ ड्रंक सिस्टम की है, यहाँ पर कार्स में ही जो ऑलरेडी कार ड्राइवर हैं या ऑलरेडी जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, इनके ट्रक में ऐसे सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे AI ड्राइवन ट्रैफिक हम यूज़ कर सकते हैं या फिर AI टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो ड्रंक होंगे तो उनकी कार ही वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स हों, स्मार्ट कैमराज हों वॉल्यूशंस को डिटेक्ट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक पॉइंट बेस्ड पेनल्टी सिस्टम हो ट्रैफिक वॉल्यूशंस के लिए, और इस डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जा सके एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में। टारगेट एनफोर्समेंट एफर्ट्स हो सिटीज़, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी शुरुआत में, जैसे कि सिटीज़ जैसे कि बेंगलुरु है, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ये इम्प्रूव करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट को और ये एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करते हैं। इनफैक्ट ट्रैफिक लाइट्स जब रेड होती है वहाँ पे कैमराज लगाए जा सकते हैं कि अगर वहाँ लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन नहीं होंगी जनरली। सो दिस विल क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द पीपल। नेक्स्ट, सो दीज आर द थिंग्स। This is for your Android app and this is for your iOS app. Why is it important? Now let me tell you. First of all, we have our today's prelims practice question. The question says which of the following statements regarding the India status report on the road safety 2024 is correct. First, the report evaluates road safety using the data from the FIR. In 2021, road safety injuries were the 13th leading cause of mortality.
तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट डेथ्स पर 1 लाख पीपल. मोर देन 50% ऑफ मोटराइज टू व्हीलर राइडर्स वी आर हेलमेट्स इन मोस्ट इंडियन स्टेट्स. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द कोड्स गिवन बिलो. सो आई होप यू ऑल कैन आंसर इट. ट्राई टू आंसर इट. आई विल लेट एंड टाइप द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. देयर आर लेटर्स करेक्ट और नॉट. देन वी हैव टुडेस मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट डिस्कस द की फाइंडिंग्स ऑफ इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 व्हिच यू कैन डू एंड एनालाइज द मेजर चैलेंजेस फेसिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया. यू कैन ऑल्सो राइट दिस. वट मेजर शुड बी इंप्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस फेटलिटीज इन द कंट्री. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस. Try to write this is in around 200 words just for your practice and send it to us, or else description mein you'll get a link of the app. Go to the app, go to the chat section. From there, the chat section you can freely it's an initiative of NLSTIS which is free. You can freely talk to our mentor about anything, and moreover write this answer and ask him where to send it, and then we'll basically evaluate it and give it to you back. Because ek mahine mein 30 mains answer practice karna, it would be very good for you if you are sitting at home and starting preparing for UPSC. So thank you, have a nice day, and stay tuned with NLSTIS for your own better preparation.